मैंने आपको आज तक बहुत सारे केसेस बताए हैं मर्डर्स के या फिर और भी किसी भी टाइप के क्राइम के, जिनमें आपको ये पता लगता है कि लोगों की मेंटालिटी कैसी है और वो कितनी छोटी सी बात के लिए ही किसी को निपटा देते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको केस बताने वाला हूँ उसका मोटिव अगर आप जानेंगे, जी हाँ, आपको पता लगेगा कि किस लिए एक व्यक्ति लोगों को मारे जा रहा था अंधाधुंध निपटाए जा रहा था। जी हाँ, ये मोटिव ही कुछ ऐसा था जिसके लिए ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। 18 अप्रैल 1947 का वो दिन था जब कैलिफोर्निया के सेलेनी शहर में हर्बर्ट मोलेन नाम के इस व्यक्ति का जन्म हुआ था। मोलेन के पिता यहाँ पर वर्ल्ड वॉर टू के अंदर वेटरन रह चुके थे और उनको यहाँ अच्छे से पता था कि किस तरह के हथियार का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, और वो अपने बच्चे यानी कि मोलेन को हर रोज नए नए हथियारों को इस्तेमाल करना सिखाया करते थे। अगर देखा जाए तो यहाँ मोलेन के पिता वैसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे थे, लेकिन यहाँ उन्होंने मोलेन को कभी भी बेवजह नहीं डांटा, बेवजह मारा पीटा नहीं, जिस वजह से हम यहाँ ये बात कह सकते हैं कि मोलेन का जो बचपना रहा है या फिर उसका जो शुरुआती समय रहा है वो कोई ज्यादा खराब नहीं रहा, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर कुछ फालतू का टॉर्चर हुआ हो या फिर उसकी मेंटल स्टेबिलिटी इस तरह से बिगड़ जाए। स्कूल में भी यहां मोलेन का अपना अलग ही सिक्का चल रहा था, वो अलग से ही यहां बिल्कुल एथलेटिक टाइप का स्टूडेंट रहा था। स्टडीज में भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, हर सब्जेक्ट में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, सभी टीचर्स यहां उससे खुश थे, सभी स्टूडेंट्स उसके जो साथ रहते थे वो यहां उससे बहुत ज्यादा खुश थे। सन 1965 तक आते जब यहां पर मोलेन की उम्र 18 साल की हो चुकी थी तो वो यहां पर अपनी ग्रेजुएशन तक पूरी कर चुका था। अब क्योंकि ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी और उसको यहां पर अपना कोई अच्छा सा करियर के लिए कोई और यहां पर डिग्री वगैरह करनी थी, तो उसके पिता ने उसे समझाया कि तुम मेरी राह पर चलते हुए कोई अच्छी सी आर्मी के लिए कोई कोर्स वगैरह कर लो और आर्मी में ही भर्ती हो जाओ। लेकिन यहां पर उसका मन नहीं था आर्मी में जाने के लिए और यहां मोलेन ने इंजीनियरिंग करने का सोचा। अब इंजीनियरिंग के लिए वो अपने पुराने दोस्त डीन के साथ ही एक नई यूनिवर्सिटी में गया, वहां दोनों ने एडमिशन ले लिया और दोनों यहाँ डेली अब सुबह सुबह उठकर यूनिवर्सिटी जाने लगे। लेकिन यहाँ दिक्कत यही इसी पॉइंट पर आई, और वो दिक्कत ये थी कि एक दिन ऐसा भी आया जब यहाँ डीन सुबह सुबह अपने कॉलेज में जा रहा था अकेला ही, उस दिन मोलेन उसके साथ नहीं था और डीन का बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया और ये एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि डीन की मौके पर ही मौत हो गई। अब जैसे ही यहाँ मोलेन को अपने दोस्त की मौत के बारे में पता लगा वो पूरी तरह से सदमे में आ गया, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उसके दोस्त के साथ क्या हो गया है, वो कल तक उसके साथ था, वो अभी तक उसके साथ था और एकदम से अब डीन उसको छोड़कर जा चुका है। वो अंदर से बिल्कुल पागल हो चुका था, और किस कदर यहां पर वो पागल हो चुका था इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि उसने घर घर जाकर डीन के बारे में पूछना शुरू कर दिया कि क्या किसी ने डीन को देखा है, क्योंकि अभी तक यहां मोलेन ये इस बात को पचा ही नहीं पा रहा था कि उसका दोस्त उसे छोड़कर जा चुका है। उसने अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंदिर बनवाने शुरू कर दिए सिर्फ डीन के लिए, वहां डीन की मूर्ति रखता और डेली एक नए मंदिर में जाकर यहां डीन से बातें करने की कोशिश कर रहा था। दोस्त के जाने में वो इतना पागल हो गया कि उसने आम लोगों से ही अपना रिश्ता वगैरह तोड़ लिया, वो खुद का यहाँ खाना बना रहा था, अपने माता पिता से भी कोई खास बात नहीं करता, वो अकेला बैठा रहता सारा दिन और किताबों में पढ़ता रहता कि पुनर्जन्म किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। वो सारा सारा दिन इस चीज से ऑब्सेस्ड हो चुका था, उसको लग रहा था कि यहाँ पुनर्जन्म संभव है और वो किसी भी तरह से कुछ भी करके अपने दोस्त को वापस जिंदा करवा लाएगा, कहीं ना कहीं से उसको वापस ले आएगा, क्या डाउनलोड थोड़ी ना करेगा यार। वो यहाँ इस कदर पागल हो चुका था कि उसने सबसे पहले अपनी इंजीनियरिंग की जो डिग्री चल रही थी उसकी उसको छोड़ दिया यहाँ उसने, और घर आकर आराम से बैठ चुका था और वो यहाँ अब तैयार हो चुका था ये जानने के लिए कि ऐसी कौन सी पढ़ाई है जिसे पढ़कर वो लोगों को वापस जिंदा करवा सके। और यहाँ और कुछ ना दिखते हुए उसने फिलोसफी के अंदर जाने का सोचा और वो फिलोसफी के अंदर अब नया कोर्स अपना शुरू कर चुका था। और इसी कोर्स के अंदर आते आते यहाँ उसको कहीं ना कहीं से ये पता लगा कि उसके जो दोस्त की मौत हुई है यानी कि डीन की जो मौत हुई थी वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रकृति का एक प्लान था, उसको यहाँ पर उसने कॉस्मिक प्लान का नाम भी दे दिया था। देखते ही देखते यहाँ पर मोलेन पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो चुका था, उसको यहाँ हेलुसिनेशंस हो रहे थे, उसको यहाँ डिल्यूजन्स हो रहे थे, उसको यहाँ बहुत गंदे गंदे आभास होते कि वो अपने दोस्त से कहीं ना कहीं बात कर रहा है। वो अकेला बैठ जाता अपने रूम में और घंटों घंटों तक पूरा पूरा दिन यहाँ फर्श के ऊपर चौकड़ी मारकर आराम से बैठा रहता और इंतजार करता रहता कि कहीं ना कहीं से उसका दोस्त अभी उसके सामने प्रकट हो जाएगा और वो दोनों आपस में एक दूसरे से फिर से बातें करने लगेंगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जो लोगों ने
बाद में यहाँ मुलिन के ऊपर रिसर्च करी, उन्होंने ही बताया कि ये जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहा था इसका बहुत बुरा इफेक्ट यहाँ मुलिन के दिमाग में हो चुका था। वो घर करके बैठा हुआ था कि कहीं ना कहीं से भी वो अपने दोस्त को वापस लेकर आ सकता है। सन 1968 का समय आ चुका था और अब यहाँ पर जो मुलिन की जो गर्लफ्रेंड थी उसने भी यहाँ उसको लात मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड को लग रहा था कि ये जो व्यक्ति जो उसके साथ इतने टाइम से रह रहा है ये कोई आदमी नहीं है, ये कुछ और ही बन चुका है, रोबोट टाइप सारा दिन आराम से बैठा रहता है, अजीब अजीब बातें करता है, इसकी बातें मेरी समझ से तो बाहर हैं। इसलिए यहाँ पर उसने सीधे तौर पर बिल्कुल म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ मुलिन को ब्रेकअप दे दिया और मुलिन को इस बात से कोई झटका भी नहीं लगा। वो उसके घर से बाहर निकला, अपने घर में गया, माता पिता से बोला कि बताओ हाँ जी क्या करना है मुझे आगे फ्यूचर में। तो यहाँ उसके माता पिता ने सबसे पहले मुलिन को कहा कि तेरी शादी वगैरह करवाएंगे, लेकिन इस हालत में तो तेरे से कोई शादी करेगा नहीं, ये बात तो तू भी मानता है। उसने कहा बिल्कुल मानता हूँ, बताओ क्या करना चाहिए। तो यहाँ उसके माता पिता उसको साफ तौर पर बोल चुके थे कि तेरे को लड़की बाद में दिखाएंगे, तू पहले जाकर डॉक्टर को दिखा के आ। उसने अपना तामझाम पैक किया, एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर वो जाकर आराम से अब लेट चुका था, लेकिन यहाँ जो दवाइयाँ उसे दे रहे थे वो दवाइयाँ उसे पसंद नहीं आई। कुछ ही दिनों बाद वो वापस अपना तामझाम लेकर अपने घर आ चुका था, जिसके बाद यहाँ उसने अपना घर तक छोड़ दिया था और अब वो यहाँ कैलिफोर्निया के चौराहों पर आकर अपने लिए छोटे मोटे काम करता और जो छोटे मोटे कामों से कमाई आ रही थी अब आपको ही पता है कि वो सारी कमाई कहाँ जाएगी। जी हाँ, नशे पतों में। वो हर तरह के नशे पते यहाँ ट्राई कर रहा था, उसके दोस्तों ने यहाँ उसे हर तरह का माल फूकना सिखा दिया था और पहले जो चीज़ उसको गंदी लग रही थी जिससे वो हेट करता था अब वही चीज़ उसकी आदत बन चुकी थी और इसी आदत के चलते वो अपना दिमाग के ऊपर कंट्रोल भी खोता जा रहा था। उसको यहाँ रेसलिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी और रेसलिंग में भी अब यहाँ नए नए फाइट्स में उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था और ऐसा इसलिए क्योंकि इस बंदे का अपने दिमाग के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं था। ये जिसके साथ भी यहाँ रेसलिंग फाइट करता उसको हराने के बाद भी यहाँ उसको मारता ही रहता जब तक यहाँ रेफरी आकर बेचारा बीच में दो तीन मुक्के खाकर खुद उसे ना छुड़वा ले, ये बंदा ऐसे मानने वाला नहीं था। अब यहाँ लोग समझ चुके थे कि इसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से खराब हो चुका है। तब यहाँ पर टाइम आया सन 1972 का, जब यहाँ पर मुलिन 25 साल का हो चुका था और उसके दिमाग में अभी भी उसका दोस्त ही चल रहा था कि कैसे एक प्रकृति के बहुत बुरे फिनोमिना ने उसके दोस्त की जान ले ली है और वही बातें उसके माइंड में चलते चलते ये लड़का अपना सारा तामझाम उठाकर वापस अपने घर आ चुका था। अब घर आते ही जैसे वो अकेला बैठा तब यहाँ उसके अंदर से ही आवाज़ उसको सुनाई देने लगी कि जो प्राकृतिक फिनोमिना तुम्हारे दोस्त को खा गया है वो प्राकृतिक फिनोमिना दोबारा से आएगा और अब की बार वो भूकंप बनकर आएगा और इस भूकंप में बहुत सारे लोग कैलिफोर्निया के मारे जाएंगे, लगभग पूरा ही कैलिफोर्निया खत्म हो जाएगा और इस भूकंप को बचाने के लिए यानी कि भूकंप कैलिफोर्निया में ना आए उसके लिए यहाँ पर लोगों की जाने देनी पड़ेगी। जी हाँ, आप सोच कर देखिए ये अंदर ही अंदर क्या सोच के बैठा था, उसको क्या सुनाई दे रहा था कि भूकंप से लोगों को बचाने के लिए लोगों की ही जान देकर यहाँ पर उनकी बलि चढ़ानी पड़ेगी और ये बातें अब उसके दिमाग में बैठ चुकी थी। उसने खुद से ही यहाँ अपने अंदर लिंक्स बनाने शुरू कर दिए थे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं, उसका जन्म यहाँ पर 18 अप्रैल के दिन हुआ था। अब 18 अप्रैल अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा दिन है सैन फ्रांसिस्को के लिए, क्योंकि यहाँ सैन फ्रांसिस्को में 18 अप्रैल 1906 के दिन एक बहुत ही भयंकर भूकंप आया था जिसके अंदर तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। अब यहाँ पर ये चीज़ें लिंक बनाते हुए कि मेरा भी तो जन्म 18 अप्रैल 1947 के दिन हुआ है, अब यहाँ कोई ना कोई लिंक तो जरूर होगा, भगवान ने मुझे स्पेशली यहां भेजा है कैलिफोर्निया को बचाने के लिए। अब यहां ऐसी ऐसी बातें यहां पर ये मुलिन सोच चुका था। फिर उसके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आया कि अभी तक कोई बड़ा सारा भूकंप कैलिफोर्निया में क्यों नहीं आया या फिर अमेरिका में क्यों नहीं आया, अभी तक तो आ जाना चाहिए था क्योंकि मैंने तो अभी तक किसी की बलि नहीं चढ़ाई है, किसी को सेक्रीफाइस नहीं किया है। तब यहाँ पर उसको अंदर से ही दोबारा अपना उत्तर भी मिल गया और वो उत्तर ये था कि अभी तक यहाँ वियतनाम और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसमें भी तो लोग मारे जा रहे थे, अब क्योंकि यहाँ प्रकृति को तो खून मिल ही रहा था तो उसी वजह से यहाँ कोई भूकंप अमेरिका के अंदर नहीं आया, कोई बड़ा भूकंप नहीं आया और यहाँ लोगों की जान माल की हानि भी नहीं हुई। खुद के ही प्रश्न यहाँ उसके थे, खुद के ही उत्तर यहाँ उसके थे, बाऊजी यहाँ वो बनकर बैठ चुका था, अब यहाँ वो पूरी तरह से तैयार था लोगों का खून प्रकृति को देने के लिए। 13 अक्टूबर 1972 का दिन आया जब यहाँ पर सुबह सुबह ही हमारा मुलिन अपनी गाड़ी लेकर अपने घर से बाहर निकला और सांता क्रूज वाले रोड के ऊपर वो चले जा रहा था, तभी यहाँ पर उसने
उसने एक पॉइंट पर आकर सड़क के किनारे ही अपनी गाड़ी रोकी, क्योंकि यहाँ सामने उसको एक 55 साल का बेघर व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा था सड़क के किनारे। अब जैसे ही उसने उस देखा, वो उसके पास गाड़ी लेकर गया। अब उससे आगे ले जाकर तकरीबन 5-7 मीटर वो उसे आगे गाड़ी ले गया और वहाँ जाकर अब रोक दी और यहाँ ऐसा प्रिटेंड करने लगा कि उसकी गाड़ी यहाँ ख़राब हो गई है। वो गाड़ी से बाहर निकला, उसने बोनेट का ढक्कन खोल दिया था, बोनेट को ऊपर उठाकर अब यहाँ पर वो इंजन के अंदर ताका झाकी कर रहा था। अब जैसे ही ये ताका झाकी बेचारे उस 55 साल के लॉरेंस ने देखी तो वो भी यहाँ बेचारा उठ कर आ गया। वो तो खाली ही बैठा हुआ था वहाँ पर, वो उठ कर आया और यहाँ पर उसकी मदद करने लगा इस गाड़ी को ठीक करने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर वो लॉरेंस आकर गाड़ी को चेक कर रहा था तो यहाँ मुलिन ने अपनी गाड़ी लॉरेंस के भरोसे ही छोड़ दी, खुद यहाँ पर वो साइड में हटा। लॉरेंस अभी इंजन के अंदर देख ही रहा था, वो कुछ साइड में आया, पीछे वाली सीट पर आया जहाँ पर उसने एक बेसबॉल का बैट रखा हुआ था। दरवाजा खोला पीछे वाला, बेसबॉल का बैट बाहर निकाला और तुरंत यहाँ पर आकर लॉरेंस के सिर पे पीछे से उसने वार करने शुरू कर दिए। अब इस वार के अंदर तो बेचारे लॉरेंस को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जान यहाँ पर क्यों ली जा रही है, उसको तो पता भी नहीं चला। जस्ट यहाँ पर दर्जन से भी ज्यादा वार मुलिन द्वारा उस लॉरेंस के ऊपर किए गए और लॉरेंस अब यहाँ खून खून होकर सड़क के किनारे ही गिर चुका था। जिसके बाद यहाँ पर मुलिन ने सबसे पहले अपना बोनेट बंद किया, लॉरेंस की लाश को घसीटते हुए यहाँ वो पीछे झाड़ियों में लेकर गया और झाड़ियों में डालने के बाद उसने ऊपर से और झाड़ियाँ उठाकर अंदर डाल दी ताकि यहाँ पर ये लाश अभी किसी को ना मिले। इसके बाद यहाँ पर उसने वो बेसबॉल का बैट भी वहीं फेंका, अपनी गाड़ी में आकर बैठा, गाड़ी स्टार्ट करी और वहां से निकल गया। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि जिस टाइम पर उसने लॉरेंस को मारा था तब यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था जैसे ये जो आदमी साइड में बैठा हुआ है, बेचारा बेघर आदमी, ये कोई और नहीं बल्कि बाइबल का जोना है। अगर आपने बाइबल पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि जोना बाइबल में आखिर था कौन और उसको यहाँ मारना क्यों जरूरी था। खैर, यहाँ पर दिन आ चुका था 24 अक्टूबर 1972 का, जब यहाँ पर फिर से सुबह सुबह ही मुलिन अपनी गाड़ी लेकर अपने घर से बाहर निकला। सड़क के किनारे वो देखता हुआ जा रहा था कि कोई व्यक्ति है जिसको गाड़ी में बैठना हो तो वो आकर उसकी गाड़ी में बैठ सकता है। और तभी यहाँ पर उसको सड़क के किनारे 24 साल की मैरी ग्लिफॉय नाम की एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी, जो सीधे तौर पर बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। उसके हाव भाव से ही लग रहा था कि इसको कहीं जाना है और इसको कोई साधन नहीं मिल रहा। तुरंत यहाँ पर मुलिन अपनी गाड़ी लेकर उस लड़की के पास पहुंचा और पूछने लगा कि हाँ जी, आपको कहाँ जाना है, जाना हो तो मैं छोड़ सकता हूँ। मैरी ने बताया कि यहाँ उसका एक जॉब इंटरव्यू है और उसको तुरंत ही यहाँ उस जॉब इंटरव्यू में पहुँचना है, वो पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। मुलिन ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है मैडम, आप सीट खोलो, आप फटाफट से मेरे पास आकर बैठ जाओ। तुरंत ही यहाँ पर वो लड़की अब आकर बैठ चुकी थी इस गाड़ी के अंदर। बेचारी को पता ही नहीं था कि वो कभी भी उस इंटरव्यू तक तो पहुँच ही नहीं पाएगी, जॉब लगना तो दूर की बात है। तभी यहाँ पर कुछ दूर चलने के बाद मुलिन ने अपने साइड में रखा हुआ अपना चाकू निकाला, अपने सीधे हाथ में लिया और सीधे हाथ में लेकर तुरंत ही यहाँ साइड में बैठी हुई बेचारी मैरी के गले पर मारना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मैरी कुछ बोल पाती या समझ पाती, उसके से यहां खून की धार छूट पड़ी थी, वो फवारे यहां खून के निकल रहे थे। वो तब तक यहां पर उसके छाती में, उसके पेट में, उसके गले में यहां पर चाकू मारता रहा जब तक यहां उसके पूरे धड़ की जाली नहीं बन गई। लिटरली यहां उसके शरीर में आर पार दिख रहा था, इतने बुरी तरीके से यहां इसने चाकू मारे थे बेचारी मैरी को। सोचकर देखिए, यहां उसने मैरी की लाश का भी क्या किया, वो आगे आगे चलता जा रहा था और उसके लाश के टुकड़ों को काट काट कर, साइड में बैठी हुई काट काट कर मैरी को वो टुकड़े साइड में अपने फेंकता जाता। और आप सोच कर देखे खुद, उसकी लाश का सिर्फ एक टुकड़ा ही यहाँ 4 महीने बाद पुलिस को मिल पाया था। इतने बुरे तरीके से यहाँ बेचारी मैरी को डिस्पोज किया था इस मुलिन ने। तब यहाँ पर कुछ दिन और बीत चुके थे और यहाँ पर अंदर ही अंदर बैठे बैठे मुलिन को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने 2 लोगों की जान ले ली है, वो भी बिना बताए। तो अब क्यों ना यहाँ पर अपनी गलती को सुधारा जाए। और गलती सुधारने के लिए आपको भी पता है कि वहाँ के लोग प्रीस्ट के पास जाते हैं और वहाँ जाकर अपने गुनाहों को कबूल करते हैं उनके सामने, क्योंकि यहाँ उनको लगता है कि जो प्रीस्ट होते हैं वो भगवान के ही बंदे होते हैं और वो अपने कुछ भी गुनाह अगर उनको कबूल करने हो तो वो उनके सामने बैठकर सब कुछ कबूल कर सकते हैं और बाद में आप प्रीस्ट उनका प्रायश्चित करवा कर उनको वापस घर भेज देता है। यहाँ पर ऐसा ही बिल्कुल मुलिन को भी लग रहा था। तो सीधा यहाँ पर वो चर्च में गया और जाकर प्रीस्ट से बात करने लगा कि मुझे अपनी कन्फेशन देनी है आपको, मुझे अपने गुनाहों को कबूल करना है। तब यहाँ पर प्रीस्ट ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर बैठो, हम अभी मिलते हैं। तब यहां पर कुछ देर बाद वेट करने के बाद प्रीस्ट यहां मुलिन के पास आया, उसको उठाकर अपने कन्फेशन रूम में लेकर गया और दोनों अब आमने सामने बैठ चुके थे। मुलिन ने यहां पर प्रीस्ट को सब कुछ बताया कि कैसे कैसे उसके माइंड में बहुत अजीब अजीब ख्याल आते हैं, उसका दोस्त मर गया था, उस दोस्त को वापस लाने के लिए और अर्थक्वेक ना आए इस पूरे शहर में, इस पूरे राज्य में,
इसीलिए यहाँ पर मैं लोगों की जान ले रहा हूँ और अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मैं आपके सामने ये चीज़ कन्फेस कर रहा हूँ। प्रिस ने कहा, ठीक है, अगर तुमको समझ आ चुका है कि ये चीज़ गलत है तो कोई बात नहीं, आप किसी को भी बताना मत, लेकिन आपने क्राइम तो किया ही है, बट इस क्राइम का भी वो प्रायश्चित करवाने वाले थे। तब यहाँ पर इन दोनों की मीटिंग खत्म होने ही वाली थी और यहाँ पर मुलिन का फिर से दिमाग सनक गया। उसने अपनी ही जेब में रखा हुआ चाकू निकाला, वो चाकू निकाल कर सीधा यहाँ पर प्रीस्ट को दिखाते हुए उसके पीछे आया, पीछे से यहाँ उसकी गर्दन को पकड़ा और कहा कि प्रायश्चित तो मैं अब तेरा भी कर सकता हूँ। और ये कहते ही उसने चाकू को हाथ में पकड़ कर सीधा उसके गले में ही देकर मारा। और तब तक यहाँ उसने चाकू मारे बेचारे उस प्रीस्ट के गर्दन में जब तक यहाँ प्रीस्ट की गर्दन लगभग कट कर लटक ही ना जाए। प्रीस्ट यहाँ मर चुका था और मुलिन भी यहाँ से भाग कर पीछे वाले रास्ते से होते हुए चर्च से बाहर निकल कर अपने घर पहुँच चुका था। जब यहाँ पर पुलिस इस मौके पर पहुंची, पुलिस वालों ने आसपास लोगों से पूछा कि किसने किया होगा, तब यहाँ पर एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि मैंने एक आदमी को जिसने डार्क कलर का सूट डाला हुआ था, वो बहुत ज़्यादा लंबा था, उसको यहाँ से भागते हुए देखा था, लेकिन इतनी डेफिनेशन काफ़ी नहीं थी पुलिस के लिए कि वो जाकर सीधा एक किलर को ढूंढ ले। ना ही कोई नाम अभी तक पता था और ना ही कोई पता उनके पास था कि इस पते पर वो किलर यहाँ उनको मिल जाएगा। अब यहाँ पर टाइम आ चुका था जनवरी 1973 का। अब तक भी किसी को भनक नहीं थी कि तीन तीन मर्डर व्यक्ति कर चुका है। और सोच कर देखिए, बेशर्मी की हद देखिए, तीन मर्डर करने के बाद यहाँ उसने फॉर्म फिल किया अमेरिकन आर्मी में भर्ती होने का। वो फॉर्म उसका पास हो भी गया, वो यहाँ पर फिजिकल टेस्ट दे चुका था, अपना मेंटली टेस्ट दे चुका था, अपना रिटर्न टेस्ट दे चुका था, सब कुछ यहाँ क्लियर हो चुका था। लेकिन जब उसका मेडिकल किया जा रहा था, तब उसके मेडिकल में यहाँ सामने आया कि ये बंदा तो पुराना पापी है, मतलब कि यहाँ ये आदमी नशे पते फूंकता आया है बहुत लंबे टाइम से। और इसी बात को लेकर यहाँ उसकी नौकरी अब खतरे में आ चुकी थी, उसको उठाकर बाहर निकाल दिया गया, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, अपना तामझाम उठाओ और निकलो यहाँ से। जब यहाँ पर ये बात मुलिन ने सुनी तो उसको झटका लगा कि मेरी तो नौकरी लगने वाली थी, मेरा पूरा करियर यहाँ पर सामने खड़ा था, लेकिन सिर्फ इस नशे पते की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल पाई। वो खैर, वो अपना सारा सामान वापस पैक करके अपने घर आ चुका था और अब सोचने लग गया कि क्यों वो आज तक नशे पते करता आया था और किसने उसे सबसे पहले नशे पते करना सिखाया था। तब यहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी में फ्लैशबैक में वापस गया और उसने याद किया कि सबसे पहली बार ड्रग्स उसने किसके साथ ली थी और कौन उसके लिए लेकर आया था। तब यहाँ पर उसे याद आया कि उसका हाई स्कूल में एक दोस्त हुआ करता था जिम जनेरा नाम का, और इस जिम ने ही उसको सबसे पहली बार ड्रग्स की आदत लगवाई थी, सबसे पहली बार वही तो लेकर आया था जिसके साथ उसने बैठकर फूकी थी। उसने यहाँ पर अपने आसपास के और दोस्तों से पूछने की कोशिश करी कि जिम अब कहाँ रहता है, उसका कोई अता पता है क्या। तो यहाँ लोगों ने उसे एक पता भी दे दिया और उस पते पर तुरंत ही 25 जनवरी 1973 के दिन ही यहाँ अब मुलिन पहुंच चुका था। जाकर उसने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही यहाँ सामने एक कैथी नाम की लड़की खड़ी थी और उस कैथी के पीछे उसके दो बच्चे भी बेचारे खेल रहे थे। यहाँ कैथी से मुलिन ने पूछा कि जिम कहाँ पर है। कैथी कहती, कौन जिम? तब यहाँ पर मुलिन ने कहा कि मुझे यहाँ एक पता दिया गया है कि यहाँ मेरा दोस्त जिम जनेरा नाम का एक लड़का रहता है, वो मेरे साथ पहले स्कूल में पढ़ता था। कैथी ने कहा, यहाँ कोई जिम नहीं रहता, यहाँ मेरे पति अभी अपनी नौकरी पर गए हुए हैं और मैं यहाँ अपने बच्चों के साथ अकेली हूँ, मुझे यहाँ आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तब यहाँ मुलिन ने पूछा कि अगर आपको जिम का पता हो तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। तब यहाँ पर कैथी ने कहा कि हाँ, मुझे पता है, मुझसे पहले जिम ही यहाँ इस घर के मालिक थे। तब यहाँ पर उस कैथी ने ही जिम का पता लिखकर मुलिन को दे दिया। अब यहाँ पर मुलिन को कायदे से वापस मुड़ जाना चाहिए था और अपनी गाड़ी में जाकर सीधा जिम के पास जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ वो मुड़ तो गया वापस जाने के लिए, बट जैसे ही वो मुड़ा, वो वापस गेट की तरफ मुंह कर लिया उसने। और मुंह करते ही यहाँ, अब क्योंकि कैथी उस टाइम पर गेट को बंद कर रही थी, तो यहाँ मुलिन ने जाकर उस गेट को पकड़ लिया और अंदर की तरफ खोला। खोलते ही यहाँ वो घर के अंदर आ चुका था और सीधा यहाँ उसने अपनी जेब में रखी हुई बंदूक को निकाला। 0.35 कैलिबर की पिस्टल से यहाँ उसने सीधा बेचारी कैथी को, जिसका कोई कसूर नहीं था इस कांड के अंदर, उसको यहाँ पर 3 शॉट्स मारे और यहाँ कैथी मौके पर ही मर चुकी थी। सोच कर देखिए यहाँ इसके बाद ये आदमी क्या करने वाला था। इसको इस घर के अंदर दो बच्चे भी खेलते हुए दिखाई दे रहे थे और उनको ये आदमी कैसे छोड़ सकता था। सीधा इसने अपनी बंदूक को वापस लोड किया और अब उन दोनों बच्चों के पास गया, दो दो गोली यहाँ उन बच्चों को भी मारी और अब यहाँ पर 3 लोग एक ही झटके में बिना बात के इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मुलिन वापस बाहर निकला, अपनी गाड़ी में आकर बैठा और अब जिम के पास जाने की सोचने लगा, जिसने यहाँ उसको सबसे पहली बार ड्रग्स का चस्का लगवाया था। अपनी गाड़ी उठाकर वो सीधा जिम के घर गया। वहाँ पर जिम खुद भी मौजूद था और साथ में उसकी पत्नी भी मौजूद थी।
तुरंत ही उसने जाकर दरवाजा खटखटाया और किस्मत से यहाँ दरवाजा सीधा जिम ने ही खोला था। सामने खड़ा मुलिन को देख जिम बहुत हैरान हुआ और उसको लग रहा था कि यहाँ शायद हो सकता है मुलिन उससे माल वगैरह लेने के लिए आया हो, और उसने पूछा कि यहाँ बताओ कौन सा चाहिए। लेकिन यहाँ मुलिन ने सीधा अपनी जेब में वही रखी हुई पिस्टल को बाहर निकाला और सीधा दो शॉट्स जिम के माथे में लगा चुका था। गोली लगते ही जिम फर्श पर गिर गया और उसकी आवाज सुनकर अंदर से जिम की पत्नी भागी भागी आई, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, चिल्ला पाती या बोल पाती या फिर पूछ पाती, तुरंत ही यहाँ पर मुलिन ने 3 गोलियां उसकी पत्नी को भी मार डाली। दोनों लोग यहाँ पर मियाँ बीवी मर चुके थे। 5 मर्डर यहाँ पर वो 2 घंटे के अंदर कर चुका था। सोच कर देखिए यहाँ किस स्पीड से अब ये मुलिन चल पड़ा था। लेकिन यहाँ पर पुलिस को जब इन दोनों कांडों की जानकारी लगी तो पुलिस ने यहाँ पर ये थ्योरी बना दी। सोच कर देखें यहाँ पर वो किस तरह के माल में वो सेट हो चुके थे सुबह सुबह, कौन सी आंच का नशा उन्होंने यहाँ पर किया हुआ था। साफ दिख रहा है यहाँ पर एक ही बंदूक से 2 परिवारों को निपटाया गया है, फिर यहाँ पर उन्होंने इसको गैंगवारी कैसे दे दी। जी हाँ, आप सोच कर देखिए पुलिस वालों ने यहाँ पर ये थ्योरी बनाई कि ये दोनों आपस में ही लड़ मर कर स्वर्ग सिद्धार चुके हैं, इसमें हमारा कोई काम नहीं है, ये ओपन और शट का केस है, ये जरूर गैंगवारी है। और गैंगवारी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जिम जो कि ड्रग्स का काम करता था, और यहाँ पर वो कैथी उसका पति भी यहाँ पर ड्रग्स का काम करता था, और दोनों के बीच में कोई डील हुई होगी और इस डील के ना बनने की वजह से दोनों को गुस्सा आया होगा और दोनों ने एक दूसरे के परिवार को ही निपटा डाला। सोच कर देखिए यहाँ पर कैसी मेंटालिटी यहाँ पर पुलिस लेकर बैठी हुई थी, और ये थ्योरी उनकी काम कर भी गई। उन्होंने केस को ओपन किया, बंद किया, फाइल खत्म। मिड फरवरी 1973 का टाइम आ चुका था और अब यहाँ पर मुलिन खुलेआम रोडों पर घूम रहा था, वो भी अपने अगले शिकार के लिए। वो घूमते घूमते एक पार्क के अंदर आया और उस पार्क में उसने देखा कि पेड़ों के बीच में एक टेंट सा लगा हुआ है और उस टेंट में 4 यंग लड़के आराम से अपना पिकनिक वगैरह मना रहे हैं। तो यहाँ पर उसको कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने देखा कि ये 4 लड़के तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, ऐसा कैसे है। उसने जाकर बात करनी चाही और कहा कि मैं यहाँ इस पार्क में गार्ड हूँ, रेंजर हूँ, और तुम यहाँ पर इस पार्क में इलीगली इस तरीके से कैंपिंग वगैरह नहीं कर सकते, यहाँ टेंट नहीं लगा सकते, अपना तामझाम उठाओ और निकलो यहाँ से। तब यहाँ पर उन 4 लड़कों ने थोड़ी अकड़ खा ली और वो यहाँ से जाने से मना करने लगे कि हम तो नहीं जाएंगे, क्या कर लेगा। तब यहाँ पर कुछ नहीं सोचा मुलिन ने अपनी जेब में रखी हुई पिस्टल को वापस निकाला और एक के बाद एक के बाद एक 4 को ही उस कैंप के अंदर ही निपटा दिया। बाहर निकलने तक का मौका उनको नहीं मिला। 4 और मर्डर कुछ ही मिनटों में यहाँ ये बंदा कर चुका था। उनकी 4 की जान लेने के बाद उनकी लाशों को भी कैंप के अंदर ही लपेट कर उसने उस पूरे तामझाम को, उस पूरे जो तकिया था वो बना था, उस तकिए को साइड में ही मौजूद झाड़ियों के अंदर फेंका और ऊपर से और झाड़ियाँ डाल दी। सोचकर देखें यहाँ वो कितने परफेक्ट तरीके से मर्डर कर रहा था कि एक एक हफ्ते तक तो बंदे की लाश ही नहीं मिलती, और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही था। एक हफ्ते तक तो किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ 4 लाशें पड़ी हुई हैं। लोग ऊपर से और साइड में जा रहे थे, किसी को भी स्मेल तक नहीं आई। खैर यहाँ पर एक हफ्ते बाद जब यहाँ पर इनकी लाशें मिली, पुलिस ने फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। तब यहाँ पर दिन आया 13 फरवरी 1973 का, जब यहाँ पर मुलिन अपने घर में ही अपनी खिड़की के ऊपर आराम से बैठा हुआ था और उसने देखा कि सामने रोड पर एक मछुआरा जा रहा है। अपने कंधे के ऊपर उसने बाल्टी टांगी हुई है, उसके अंदर उसने मछलियां वगैरह पकड़ी हुई थी और वो अपने घर की तरफ जा रहा था। लेकिन यहाँ उस मछुआरे को देखते ही मुलिन को पता नहीं क्या हुआ, उसने अपनी पिस्टल फिर से निकाली, अपने हाथों में उसने निशाना बनाया ऊपर बैठे बैठे ही खिड़की से, और खिड़की से ही कितने सटीक निशाने से, कितना तगड़ा शार्प शूटर यहाँ मुलिन बन चुका था कि उसने सीधा उसके दिल का निशाना बनाया था और एक ही बार उसने फायर करी और वो गोली सीधा उस बेचारे मछुआरे के दिल को चीरते हुए आर पार निकल चुकी थी। वो मछुआरा वहीं पर मर चुका था। मछुआरे की इस तरह से मौत होता देख गोली की आवाज़ चलने से लोग यहाँ पर बीच में इकट्ठा हो गए और देखने लगे कि किसने किया है, किसने किया है। तब यहाँ पर मुलिन भी यहाँ उसको खुद देखने आया कि ये काम किसने कर दिया, ये काम किसने कर दिया। लोगों के बीच में बातें फैल चुकी थी कि यहाँ पर कोई ना कोई सीरियल किलर घूम रहा है जो ये कांड बैठा रहा है। लेकिन इससे पहले कि लोग और कुछ पूछ पाते, मुलिन वहाँ से जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब वो जा रहा था तब उससे पहले ही किसी ने फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया था। अब पुलिस जैसे मौके पर आ रही थी तो उसने देख लिया कि मुलिन वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर पुलिस ने मुलिन को रोक लिया। पुलिस को लग रहा था कि हम जस्ट इसको सस्पेक्ट के लिए
लिए उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पर पुलिस को साथ में लग रहा था कि अगर हम इसे उठाएंगे सही तरीके से तो हो सकता है ये हमारे ऊपर ही हमला भी कर दे। तब यहाँ पर इसने कुछ नहीं किया, इसने बहुत प्यार से सरेंडर किया था पुलिस वालों के आगे। हाँ जी, आपको मुझसे काम है, चलो चलो मुझे ले चलो, मैं तो खाली ही बैठा हूँ। तब यहाँ पर पुलिस वाले से उठाकर लेकर आए पुलिस स्टेशन में, इससे बातें करने लगे। और यहाँ पर जो इसने पुलिस को बताया, जो जो मोटिव यहाँ पुलिस को बताया, यकीनन वो आज तक का सबसे अजीब मोटिव है पूरे क्राइम एम्पायर के लिए। उसने सबसे पहले यहाँ पुलिस को अपनी कन्फेशन में बताया कि जनाब देखिए, जो आपको करना हो मेरे साथ वो तो कर लेना, बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अभी तक पूरे कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर कोई भूकंप नहीं आया है, वो सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैं ना होता तो यहाँ पर भूकंप से पूरा कैलिफोर्निया खत्म हो जाता। पुलिस ये बात सुनकर, पुलिस वाले उसे देख रहे हैं कि ये क्या बीमारी है, ऐसे क्यों बोल रही है ये बीमारी। लेकिन यहाँ पर वो सच में यहाँ पुलिस वालों को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि जनाब मेरा यकीन मानिए, आपने मुझे उठा लिया है मतलब अब प्रकृति को खून नहीं मिलेगा, और खून नहीं मिलेगा तो वो गुस्सा जरूर होगी। और कोइंसिडेंस देखें, यहाँ पर जिस दिन मुलिन को उठाया गया था पुलिस द्वारा, उसके ही सिर्फ 8 दिन बाद कैलिफोर्निया में 5.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप इस राज्य को हिट कर चुका था। और जैसे ही हिट हुआ, उस टाइम पर कोई खास जानमाल का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका मुलिन तो मिस नहीं करने वाला था। जब उसे पता चला कि 8 दिन बाद ही भूकंप आ गया है, उसने पुलिस वालों को बुलाया और कहा कि आओ देख लो, अब मेरे को पकड़ रहे थे, अब यहाँ पर मुझे अगर बाहर नहीं छोड़ा तो यहाँ ये पूरा शहर, पूरा राज्य ही खत्म हो जाएगा, भूकंप पूरे दुनिया को ही खत्म कर डालेगा, अभी यहाँ प्रकृति को खून चाहिए और वो मुझे खून देना पड़ेगा। 11 अप्रैल 1973 के दिन यहाँ मुलिन का ट्रायल शुरू किया गया, और उस ट्रायल के अंदर सबसे पहले तो इस बात पे ही डिबेट हुई कि इसको एक नॉर्मल इंसान माना जाए या फिर एक पागल, क्योंकि यहाँ जो बातें कर रहा था वो पागलों वाली थी और जो इसका शरीर था वो बिल्कुल आम इंसानों वाला था। तब यहाँ पर जो इसके खिलाफ थे जो वकील, उन्होंने यहाँ पर कोर्ट के सामने एक बहुत ही बढ़िया फैक्ट रखा। उन्होंने कहा कि जनाब देखिए, ये बंदा बिल्कुल ओके है, इसका एग्जाम्पल आप यहीं से ले लीजिए कि इसने कैथी और उसके 2 बच्चों को आखिर क्यों मारा होगा। आप खुद सोच कर देखिए क्या मोटिव रहा होगा इसको मारने का। और इसका मोटिव यहाँ अदालत के सामने ये रखा गया कि अगर यहाँ पर वो जिम को ढूंढने गया था तो उसने कैथी को क्यों मारा, कि अगर यहाँ पर वो जिम को पूछने गया था कैथी से तो ऑब्वियसली जब जिम को वो बाद में मार आता, कैथी को वहीं छोड़ देता, तो बाद में पुलिस जब इधर उधर पूछताछ करती तो वो कैथी पुलिस को सामने से जाकर बता सकती थी कि जिस दिन यहाँ पर जिम की हत्या हुई थी उसी दिन यहाँ पर एक व्यक्ति जिम को पूछने के लिए मेरे पास आया था और मैंने उसे जिम के घर का एड्रेस दिया था। अब क्योंकि वो कैथी पुलिस वालों को जाकर या फिर अदालत में जाकर इस बात को ना बयान दे दे, इसलिए यहाँ पर अपने सबूत मिटाने के लिए इस आदमी ने कैथी और उसके 2 बच्चों को भी मार डाला। अब कोई पागल व्यक्ति जिसका दिमाग अपने संतुलन में ना हो, वो तो ऐसी प्री प्लानिंग नहीं कर सकता कि ये लड़की जाकर मेरे खिलाफ बयान भी दे सकती है, इसलिए यहाँ इसको निपटा देना चाहिए। किसी के अंदर दिमाग होगा, जिसके दिमाग की हालत सही होगी, वही व्यक्ति तो ये सब कुछ सोच पाएगा। और कैथी बिल्कुल ऐसी ही लग रही थी यहाँ उस टाइम पर इस मुलिन को। जज ने यहाँ पर सीधे तौर पर इसको एक फैक्ट माना और इसको एक सुधार गृह में भेजने की बजाय जेल में भेजा गया और उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज यहाँ पर मुलिन तकरीबन 73-74 साल का हो चुका है और आज भी यहाँ पर मुलिन कैलिफोर्निया की ही एक जेल में बंद है, अपनी सजा काट रहा है। उसको पैरोल भी नहीं मिल सकती, उसको जमानत मिलने तो बहुत दूर की बात है। जब तक रहेगा तब तक वो जेल में ही रहेगा, यहाँ से बाहर कभी नहीं निकलेगा। ये थी कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की जिसका मोटिव बहुत अजीब लगा मुझे, इसलिए मुझे वीडियो आप तक पहुँचानी पड़ी। खैर, अगर आपको इसी तरह की कहानियाँ सुनना और ज़्यादा पसंद हो तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं ऐसी ही रील्स में छोटी छोटी स्टोरीज डालता हूँ, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वैसे ये मेरी आईडी है। खैर, वहां पर मैंने अपनी एक शादी की पिक भी डाली है, तो आप वहां जाकर वो भी देख सकते हैं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट डिस्टर्बस को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।